अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर्स पर बनी फिल्मों में पुरुषों का वर्चस्व तो कई बार नजर आता रहा, पर क्या आप जानते हैं कि बंदूक उठाकर जब बॉलीवुड एक्ट्रेस रिवॉल्वर रानी बनी, तब वो भी कहर बरपाने में पीछे नहीं रही। कभी कंकार तो कभी स्टाइलिश तो कभी रियलिस्टिक किरदारों में हीरोइनों ने गैंगस्टर बनकर खूब वाहवाही बटोरी है। अगर आपने नहीं देखा है उनका खतरनाक रूप तो जरूर देख लीजिए वो फिल्में जिनमें कातिल हसीनाएं धाएं धाएं गोलियां बरसा रही हैं। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है सीमा बिस्वास का नाम। सीमा ने बैंडिट क्वीन बनकर पूरे चंबल को दहला दिया था। ये फिल्म डाकू सरगना फुलन देवी की लाइफ पर बेस्ड थी। चंबल की भीड़ों में सीमा बिस्वास ने फुलन को बखूबी जिंदा किया। आज हम ऐसी ही अभिनेत्रियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर बंदूक उठाकर लोगों का दिल जीत लिया। डाकू फुलन देवी की जिंदगी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन को इस विषय पर बनी सबसे शानदार फिल्म माना जाता है। फिल्म में फुलन देवी का किरदार सीमा बिस्वास ने निभाया था, जिन्हें अपने रोल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। अपनी खूबसूरती से लोगों के दिल में बसने वाली श्रीदेवी अभी इस दुनिया में नहीं मौजूद है, लेकिन उनके फैंस उन्हें हमेशा मिस करते हैं। श्रीदेवी ने फिल्म शेरनी में जब बंदूक उठाई तो लोगों का दिल जीत लिया। 1988 में आई फिल्म शेरनी में श्रीदेवी ने डाकू दुर्गा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में श्रीदेवी ने डाकू बनकर विलन की खूब धुलाई की थी। शबाना आजमी की एक्टिंग का लोहा तो दर्शक पहले से ही मानते रहे, पर बंदूक उठाकर शबाना ने स्क्रीन पर एक अलग ही अवतार दिखाया। फिल्म की कहानी गैंगस्टर संतोख बेन जाडेजा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गुजरात में 80 से 90 के दशक के बीच गैंगस्टर रही हैं। 14 से ज्यादा खून करने वाली संतोख बेन के किरदार में शबाना ने ऐसी जान फूंकी कि राष्ट्रीय पुरस्कार ही उनकी झोली में आ गिरा। फिल्म क्रिटिक्स और दर्शक इस फिल्म में उनके काम की तारीफ करते नहीं थके। इस फिल्म में ईशा कोपेकर लेडी डॉन के किरदार में है। कहना गलत नहीं होगा कि खलास गर्ल ने फिल्म में शानदार अभिनय किया और मुंबई की पहली लेडी डॉन के किरदार में जान डाल दी। ललित मराठे के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पहले 2005 में रिलीज होने वाली थी और कुछ कारणों से अटक गई, जिसके बाद इसे 2011 में रिलीज किया गया। फिल्म में माधुरी दीक्षित रज्जो के किरदार में है। ये दरअसल अंडरवर्ल्ड के गैंग नहीं बल्कि महिलाओं का एक ऐसा गैंग है जो उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो किसी अबला को परेशान करते हैं। यूपी में सक्रिय गुलाब गैंग पर बेस थी ये फिल्म, जिसमें पहली बार जूही चावला और माधुरी दीक्षित साथ नजर आए। रिवॉल्वर रानी की कहानी शुरू होती है चंबल के गांव से, जहां पर अलका का ही सिक्का चलता है। अलका सिंह उर्फ रिवॉल्वर रानी ठाई ठाई गोलियां चलाती है और ग्वालियर में आतंक मचाती है। वो राजनीति से जुड़ी हुई है और उसके विरोधी उनके दबदबे को कम करने में लगे हुए हैं। अलका उस क्षेत्र का हर एक चुनाव जीतती है। अलका अपने मामा के हाथों की कठपुतली है। हालांकि जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपने मामा को भी छोड़ती नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।